वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक नया चैप्टर, न्यूक्लियाई, चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम एनसीईआरटी, न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई में क्या डिफरेंस है बेटा? सेम, सिंगुलर, प्लूरल। ये क्या है? अगर सिंगल न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी एटम के न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस, और बहुत सारे न्यूक्लियस हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियाई। इज इट क्लियर? तो इसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स में, लाइक न्यूक्लियर का जो मास होता है, न्यूक्लियस का मास होता है, एटम का जो मास होता है, किस में मेजर करते हैं, न्यूक्लियस किन से बना हुआ है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके साइज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टाइप की चीज़ें बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने इसमें एटम में हमने पढ़ा, उसमें हमने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, देन रदरफोर्ड एटम ऑफ मॉडल, इसके बाद हमारा नील बोर थ्योरी आई, ठीक है? तो हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा, पर आज हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्टली वी नो अबाउट एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। क्या है एएमयू? ये जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास, तो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे? देखिए, न्यूक्लियर के मास को मेज़र करने के लिए या एटम के मास को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर, और उसमें हम इसको मेज़र करते थे बेटा एएमयू में, एएमयू डिनोटेड बाय यू। क्या फुल फॉर्म है इसकी? एटॉमिक मास यूनिट। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको, समझेंगे आप न्यूक्लियस के बारे में अच्छे से। एएमयू में हम इसको मेज़र करेंगे। अब 1 AMU, हाउ मच, कितना मास होगा बेटा 1 AMU में? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया गया, 1 AMU इज डिफाइंड, 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल डेफिनेशन क्या बनी, एक एएमयू किसके बराबर है? 1/12 मास ऑफ द एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन का जो एक एटम का मास है उसका 12वां हिस्सा, उसका 1/12 मास किसके बराबर होगा? 1 AMU। वी नो दैट बेटा एवोगैड्रोज नंबर के बारे में पता है हमें, 6.023 × 10⁻²³। दिस मच। तो मास ऑफ 6.023 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ कार्बन 12, इतने एटम ऑफ कार्बन का जो मास है वो कितना है? 12 ग्राम। हाउ मच? 12 ग्राम। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कितना हो जाएगा बेटा? 12 डिवाइड बाय ये वाली टर्म, 6.023 × 10⁻²³ ग्राम। ये वन एटम का मास है, किसका? वन एटम का मास। और 1 AMU में क्या कहा? इसका भी 1/12 मास ऑफ एन एटम, ये एक एटम का मास है, मास ऑफ वन एटम, ठीक है? सो 1 AMU अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा? 1/12, और मास ऑफ द वन एटम, दिस इज 12 upon 6.023 × 10⁻²³, दिस मच ग्राम। 12 से 12 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा 1.66 × 10⁻²⁷, और इसको हमने kg में कन्वर्ट कर लिया बेटा, ठीक है? डायरेक्ट आप kg में याद रखिए, SI यूनिट। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 1.667 × 10⁻²⁷ kg। दिस इज़ द मास ऑफ एन AMU, यू की वैल्यू है AMU। बार बार AMU रिपीट करने के बजाय हम इसको सिर्फ यू से रिप्रेजेंट करेंगे। एक और पैरामीटर, एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको जानना है यहाँ पे, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रिप्रेजेंटेड बाय EV। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? EV। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, it is an energy gained by an electron in the region of
इन द रीजन ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एक ऐसा रीजन बेटा जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गेन करेगा उस एनर्जी को कहा गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से देखिए, 1 EV चार्ज इनटू पोटेंशियल, 1 EV की जगह भी हम क्या लिख देते हैं वर्क। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, वर्क अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। ठीक है, वर्क मीन्स एनर्जी। तो यहाँ पे 1 EV कितना होगा, 1 EV 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज इंटू में 1 वोल्ट, और ये आ जाएगा आपका जूल, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, इतना आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या डिस्कस करेंगे, 1 EV कुछ पैरामीटर्स किसके बराबर है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा फिर, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ठीक है, ये कन्वर्जन हमें आता ही है पहले से। अब इन दोनों में बेटा क्या रिलेशन है, किसमें, AMU एंड EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रिलेशन बिटवीन AMU एंड EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड AMU, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज इक्वल टू MC² लेट अस कंसीडर, जो मास लिया हमने 1 AMU मास ले लिया, 1 AMU हाउ मच, 1.66 × 10⁻²⁷ kg लगभग वही मास है बेटा जो प्रोटॉन का मास होता है। ठीक है, तो इतना मास लिया हमने, दिस मच मास लिया, तो एनर्जी कितनी आई, एनर्जी 1.667 या इसको 1.67 × 10⁻²⁷ सी की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इसका स्क्वायर। ये जो वैल्यू आएगी बेटा, ये वैल्यू आएगी आपकी जूल में, किसमें आएगी, जूल में, और हमें चाहिए वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आफ्टर कैलकुलेशन इसको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 931 आती है। तो 931, तो एक यू में अगर एक मास कितना है, दिस मच मास कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, दिस मच एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास, इज इट क्लियर। नाउ वी डिस्कस सेकेंड टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, किसके बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियस के कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है बेटा यहां तक। तो यहां पे बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिशन किसके बारे में, किसकी कंपोजिशन, न्यूक्लियस की कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें बेटा अलग अलग थ्योरी बनी, जो हमारी ओल्ड थ्योरी थी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस, जब तक बेटा ये थ्योरी बनी थी उस टाइम तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, किसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो हम क्या मानते थे, जो हमारा ये न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज एटम, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं ए, और कितने इलेक्ट्रॉन हैं A-Z इलेक्ट्रॉन्स एंड ए प्रोटॉन। पर हमें ये पता था कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो यहाँ पे जेड इलेक्ट्रॉन कम है, तो जेड इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ दिखा दिए, ऑर्बिट में दिखा दिए, कहाँ दिखा दिए, ऑर्बिट में। ए और जेड क्या होता है बेटा, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसीडर कोई एक्स एलिमेंट है, दिस इज ए एंड दिस इज जेड, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप ये समझिए जब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हमारा क्या मानना था बेटा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस हम ये मानते थे न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन भी है। हाउ मच, कितने, ए मास नंबर, दिस इज द मास नंबर
एंड दिस इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो ए प्रोटॉन है और ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन है, पर हमें ये पता था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जेड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे कम रह गए, ठीक है, तो हमने जेड इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखा दिए, ऑर्बिट में दिखा दिए, ऐसा अपना मानना था बेटा। पर ये थ्योरी फेल हो गई, डिसएडवांटेज थे इसकी कुछ लिमिटेशन जिनको ये प्रूव नहीं कर पाई, वो कौन से दो पॉइंट थे, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस। फर्स्ट पॉइंट तो ये है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर है कि कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर और कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर, इसकी वजह से द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स सम इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, inside the nucleus and other are outside. ये जो dual nature है बेटा, इसको believe करना is not possible, ठीक है। Second, जो हमें alpha, beta, gamma particles मिल रहे थे, उनमें जो हमें beta particle मिले during beta decay, जो energy थी, the energy of electrons, the energy of emitted electrons, electron is 2 to 3 million electron volt. कितनी energy थी उनकी, 2 to 3 million electron volt. और जबकि अगर ये lie करता inside the nucleus, अगर electron nucleus के अंदर है, lie कर रहा है, if electrons lies inside the nucleus, तो इसकी एनर्जी मस्ट बी कितनी होनी चाहिए थी, 20 से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। फिर से समझिए, हमें जो एनर्जी मिल रही थी इलेक्ट्रॉन की, जो बीटा डीके में बाहर आ रहे थे, वो दिस मच एनर्जी, पर अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करता, इनसाइड द न्यूक्लियस लाई करता, तो इसकी एनर्जी मस्ट बी बिटवीन 20 से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, और ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है बेटा, कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में और कुछ उसके चारों तरफ, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद जो सेकेंड हाइपोथेसिस आई आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसमें क्या बताया गया, प्रोटॉन, सेकेंड वन इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। ये कब आई बेटा, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो इन्होंने क्या कहा, जो न्यूक्लियस है उसमें ए तो प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है, ए एक्स जेड, ठीक है, सॉरी जेड प्रोटॉन, और कितने इसमें ए माइनस जेड क्या है बेटा, इसमें न्यूट्रॉन्स हैं, ए माइनस जेड क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। तो अब इसमें न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, तो अब इस पे कितना चार्ज आ गया, जेड चार्ज आ गया, कितना चार्ज आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की वजह से क्या कहा गया, जरूर नेगेटिव जेड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ रिवॉल्व कर रहे होंगे, अराउंड दी न्यूक्लियस इन देयर ऑर्बिट। तो अब ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसके बाद ये हमारी थ्योरी जो आज तक एग्जिस्टेंस में है। तो इसमें क्या बताया गया, जेड प्रोटॉन है, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है, कहाँ, इनसाइड द न्यूक्लियस, और हाउ मच इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है उतने ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, दिस इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। तो ये बेटा कंपोजिशन के बारे में हमने बात की, नाउ वी डिस्कस सम पॉइंट्स लाइक प्रोटॉन्स। प्रोटॉन का जो सिंबल होता है बेटा, या प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस ई होता है, मींस प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसका जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन
1.667 या 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 केजी, और लगभग इतना ही मास कितना किसका था, एएमयू, किसका था, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, जिसको हमने यू से रिप्रेजेंट किया, एएमयू। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बता दिया, प्रोटॉन पे चार्ज, मास हमने डिस्कस किया, और इतना ही मास हमारा क्या है, इतना ही मास किसका था, एएमयू। तो यहाँ पे बात करते हैं बेटा सिंबल की, 1H1 सिंबल क्या है, 1H1। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, अगर मैं हाइड्रोजन की ही बात करता हूँ तो 1 प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। दिस इज ऑल अबाउट प्रोटॉन। सेकेंड बेटा हम इसमें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन, किसके रिगार्डिंग बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 केजी। चार्ज कितना होगा, माइनस 1.6 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलाम। और ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, याद रखिए मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब ये किसी से नहीं बना, इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर कट नहीं कर सकते, पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स दीज आर नॉट फंडामेंटल। ठीक है, ये भी किसी से बने हैं, इसका हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, क्वार्क के बारे में, इनकी जो कंपोजिशन है उसके बारे में डिस्कस किया था, पर इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, क्या सिंबल होता है बेटा, माइनस 1e0 इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं न्यूट्रॉन की, किसकी बात करते हैं, नाउ वी डिस्कस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे जैसा कि सभी को पता है बेटा, चार्ज कितना होता है, जीरो। कितना चार्ज, जीरो चार्ज। और जो मास होता है न्यूट्रॉन का, ये आप हमेशा याद रखिए, इसका जो मास होता है प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो प्रोटॉन का मास है 1.6726 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। अगर प्रोटॉन का मास इतना है तो इसका मास कितना है बेटा, 1.6748 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 केजी। फिर से देखिए 26 और यहाँ पे क्या है, 48, बाकी सब सेम। तो ये वाला जो मास है न्यूट्रॉन का मास है, वो थोड़ा सा ज़्यादा है, न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी होता है कंपैरिजन टू प्रोटॉन, पर कितना माइन्यूट, लगभग अप्रोक्सीमेट सेम है बेटा, अप्रोक्सीमेट सेम है। और ये दोनों ही किसके इक्वल हो गए फिर, एएमयू के इक्वल हो गए। किसके इक्वल हो गए, एएमयू। न्यूट्रॉन की फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, एक बात और ध्यान रखिए रिगार्डिंग न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, न्यूट्रॉन इज नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल आउटसाइड, आउटसाइड न्यूक्लियस। ओनली जो इसकी टाइम है, लाइफ टाइम है, एवरेज लाइफ टाइम कितनी है, 1000 सेकेंड में वो टूट जाएगा। पर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ये आपका बेटा स्टेबल है आउटसाइड द न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इज स्टेबल आउटसाइड न्यूट्रॉन। ठीक है, यहां तक एक बार नोट कीजिए। चलिए बेटा अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ बातें। अब हमें प्रोटॉन का भी पता चल गया, न्यूट्रॉन का भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में पता चला। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का दिस इज द सिंबल। ये कोई एलिमेंट मान लिया हमने, एलिमेंट एक्स। ए क्या है, ए है मास नंबर, मास नहीं कह रहा मैं, ए क्या है, मास नंबर, मास नंबर। और जेड क्या है बेटा, जेड होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स बोलिए आप ज़्यादा बेटर है। तो और मास नंबर क्या है, मास नंबर, अब मास नंबर किसका, न्यूक्लियस का मास नंबर। न्यूक्लियस के अंदर क्या है बेटा, दो चीज़ें बताई आपको मैंने न्यूक्लियस में, एक तो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन्स है। फिर से सुनिए, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन कितने थे, ए,
और न्यूट्रॉन कितने थे, ए माइनस जेड, दोनों को ऐड करूंगा। प्रोटॉन कितने थे, जेड, और ए माइनस जेड क्या था, न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड करूंगा तो ए आ जाएगा। ए मीन्स मास नंबर, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इन दोनों का जो सम होगा वो ये आएगा, एक नंबर आएगा, मास नहीं आएगा। और अब हमें पता है कि प्रोटॉन का मास या फिर न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड विच इज इक्वल टू एम यू, विच इज इक्वल टू एम यू। तो मान लो ये पाँच है, ये दो है, पाँच और दो सात, तो सात को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, एक मास से, ए एम यू से मल्टीप्लाई करूँगा। तो दिस इज द मास नंबर। और इनको बेटा हम, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन, न्यूक्लियंस। तो न्यूक्लियंस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों आएंगे, प्रोटॉन को भी न्यूक्लियन बोलेंगे और न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियन बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल से हम डिस्कस करते हैं, मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल दिया, ऑक्सीजन 8-17 ले लीजिए आप, ठीक है, या फिर 6C12 कार्बन। तो इसका मतलब आपको इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है बेटा, इसमें छः तो प्रोटॉन है, देर आर 6 प्रोटॉन्स। एंड अब देखो यहाँ पे मास नंबर का मतलब क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मास नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से मैं अगर जेड प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मीन्स ए माइनस जेड, ए माइनस जेड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसमें क्या बचेगा, जस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बच जाएगा, क्या बच जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं हम, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये सिक्स क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे देखिए 8 इज द प्रोटॉन, 8 क्या है बेटा, प्रोटॉन, और 7-8, 9 क्या है यहाँ पे, न्यूट्रॉन। इस टाइप से हम ये सिंपल कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपको क्लियर है, ए एक्स जेड का मतलब ए क्या है, मास नंबर है, मास नंबर, और जेड क्या बताया बेटा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अगर हमें मास चाहिए न्यूक्लियस का तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एम यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियंस, क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियंस। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा इसमें नेक्स्ट, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज। तो साइज, शेप एंड डेंसिटी, तीनों चीजें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए पहले शेप ले लेते हैं, शेप ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई, ये जो शेप होती है बेटा न्यूक्लियस की, वो हम कैसी कंसीडर करते हैं, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज द शेप इज स्फेरिकल। कैसी शेप है, स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल इन शेप, शेप ऑफ द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस इज स्फेरिकल। सेकेंड बेटा इसके साइज के बारे में डिस्कस करते हैं, साइज। तो साइज के बारे में क्या कहा गया है एनसीईआरटी की बुक में, अगर एटम, पूरा एटम हमारे रूम के बराबर है, पूरा एटम किसके बराबर है, हमारे रूम के बराबर है, तो ये जो पिन की जो टिप होती है बेटा, जो नोक होती है सुई की, उसके बराबर है न्यूक्लियस। फिर से सुनिए, अगर एटम हमारे कमरे के बराबर है तो एक पिन की जो टिप है, टिप ऑफ द पिन इज द न्यूक्लियस, इतना छोटा होता है बेटा साइज। वैसे भी पता है हमें इसके बारे में बेसिक, क्या पता है बेटा बेसिक में, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को डिफाइन कैसे करना है वो तो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके एटम वाले में। न्यूक्लियस क्या है, ए टाइनी सेंट्रल कोर, ए टाइनी सेंट्रल कोर इन विच ऑलमोस्ट ऑल द मासेज, इन विच ऑलमोस्ट ऑल द मासेज एंड एंटायर चार्ज, एंड एंटायर चार्ज आर लोकेटेड, आर लोकेटेड।
ऑलमोस्ट वर्ड यूज़ किया है बेटा मैंने, न्यूक्लियस में ऑलमोस्ट मास है, लगभग सारा मास। लगभग वर्ड क्यों यूज़ किया, सारा क्यों नहीं किया, क्योंकि कुछ मास इलेक्ट्रॉन का भी होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। कितना होता है वो मैंने बताया, 9.1 × 10⁻³, तो काफ़ी कम होता है पर होता है, तो इस वजह से हमने वर्ड यूज़ किया ऑलमोस्ट ऑल द मासेस एंड एंटायर पॉजिटिव चार्ज। सारे का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक टाइनी सेंट्रल कोर में लोकेटेड होता है, उसको हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस का साइज है बेटा बहुत छोटा है, 10⁻¹⁵, 10⁻¹⁴ से लेके 10⁻¹⁵ मीटर, और ये जो एटम है ये कितना है, 10⁻¹⁰। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं, 10,000 गुना छोटा है, 1,00,000 गुना छोटा है, किसके कंपैरिजन में, एटम के कंपैरिजन में, न्यूक्लियस। ये तो हमने बेसिक बात की, अब एग्जैक्ट साइज है कितना वो अगर कैलकुलेट करना है। और दूसरा माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या सभी मटेरियल, सभी एलिमेंट के लिए साइज सेम रहेगा, ठीक है। तो हम डिस्कस करें न्यूक्लियर साइज के बारे में, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर साइज, कुछ बातें आपको पता चल गई, ठीक है। और देखिए अब हमने क्या देखा था, न्यूक्लियस किससे बना हुआ है, ए एक्स जेड फॉर्मूले में आपको बार बार बताया मैंने, ए मीन्स मास नंबर, ए मीन्स मास नंबर किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा बेटा। जैसे कि मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, एक मैंने हाइड्रोजन का केस ले लिया, एक कार्बन का केस ले लिया, तो इसमें तो क्या है, कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और 0 न्यूट्रॉन है, और इसमें क्या है बेटा, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। अब ये मैंने न्यूक्लियस दिखाया है, न्यूक्लियस, एटम नहीं दिखा रहा मैं, न्यूक्लियस पे कंसंट्रेट कीजिए। तो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 AMU, एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, और यहाँ पे कितने हैं, 12 AMU। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, एक कम स्पेस में आ जाएगा, कम वॉल्यूम में आ जाएगा, अगर दो है तो ज़्यादा वॉल्यूम और 12 है तो और ज़्यादा वॉल्यूम। तो क्या ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली, रदरफोर्ड ने बेटा ये एक्सपेरिमेंट किए थे ना जब, तो बहुत से मटेरियल पे डिस्कस किया था, तो क्या ऑब्जर्व किया था उन्होंने, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, किसके इक्वल है, मास नंबर के इक्वल है, किसके इक्वल है, मास नंबर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, एक इक्वल आ गया, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, मास नंबर। अभी हमने इसकी शेप के बारे में डिस्कस की, कैसी शेप है, स्फेरिकल शेप है, कैसी शेप है, स्फेरिकल। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा बेटा 4/3 πr³, क्या वॉल्यूम होगा, 4/3 πr³ इज प्रोपोर्शनल टू a मास नंबर। तो इसको हमने छोड़ दिया, कांस्टेंट है, r³ इज प्रोपोर्शनल टू a एंड r इज प्रोपोर्शनल टू a³³। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, वी नो डैट एक कांस्टेंट लगेगा, दैट इज r₀ a⁻³³। ये जो r₀ है बेटा ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को नाम दिया गया r₀ को इंपीरिकल कांस्टेंट, इंपीरिकल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू आप याद रखिए 1.2 × 10⁻¹⁵ मीटर, ठीक है। माइनस 15 को आप क्या बोलते हो, फर्मी, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो ये जो r है रेडियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, a पे डिपेंड कर रहा है। ए क्या होता है बेटा, अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग होगा, डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट वैल्यू। तो जो साइज है न्यूक्लियर का, साइज किसी का छोटा किसी का बड़ा, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल से भी डिस्कस किया, तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट न्यूक्लियर साइज। तो क्या कंक्लूजन निकला हमारा, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट ए, हैव डिफरेंट मास नंबर मींस ए, सो डिफरेंट साइज। तो उनका साइज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, सो डिफरेंट साइज, इज इट क्लियर। इसके बाद बेटा एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं, दैट इज न्यूक्लियर डेंसिटी।
न्यूक्लियर डेंसिटी। रो से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, प्रनाउंस करेंगे आप रो। डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसका मास? मास ऑफ न्यूक्लियस। किसका मास? मास ऑफ न्यूक्लियस। किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से लिखेंगे बेटा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ध्यान से देखिए, मास ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या है? पूरे न्यूक्लियस का मास। और न्यूक्लियस के अंदर क्या बताया मैंने आपको? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये टोटल ऐड करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मीन्स ए मास नंबर, मल्टीप्लाई बाय AMU। तो ये बन जाएगा हमारा ऊपर मास ऑफ द न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ? AMU को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? U से, मल्टीप्लाई बाय A। A क्या है? एटॉमिक नंबर। A क्या है? एटॉमिक नंबर। डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना था बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई, अभी R की वैल्यू हमने निकाली थी, R किसके इक्वल? आर नॉट ए की पावर 1/3, इसका क्यूब है। क्यूब करोगे तो क्या आएगा? आर नॉट क्यूब ए। अब ध्यान से देखिए, ये जो डेंसिटी है ए से ए कैंसिल, यू यू की वैल्यू आपको बताई हुई है बेटा 1.667 इंटू 10^-27 यू की वैल्यू। 4/3 पाई आपको पता है, ठीक है 3.14 ले लीजिए। आर नॉट की वैल्यू अभी बताई थी मैंने 1.210^-15 का क्यूब। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट है बेटा, और जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो जो आंसर आएगा आफ्टर कैलकुलेशन 2.2 × 10^17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी। क्या ये डेंसिटी किसी पे डिपेंड कर रही है? नहीं, ए तो कैंसिल ही हो गया, बाकी कांस्टेंट है। तो जितने भी हमारे मटेरियल हैं बेटा, उन सब की डेंसिटी क्या रहेगी? सेम। ऑल द मटेरियल हैव सेम डेंसिटी। All the elements have same density। एक तो ये पॉइंट क्लियर होता है। अगर मैं कहता हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर, याद रखिए दो तीन वैल्यू आप, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ एयर दैट इज 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।